हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको ये हरे हरे से पत्ते जो दिख रहे हैं, अरबी के पत्ते हैं ये, और इससे एक बहुत ही लाजवाब सी चीज़ बनने जा रही है आज। ये देखिए, अरबी के पत्ते हैं, बड़े बड़े से पत्ते लेके आए हैं, और इससे बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस सी एक जो वो रेसिपी बनने के लिए तैयार है। और ये हम सबसे पहले तैयार कर रहे हैं इन पत्तों के ऊपर जो हम स्टफिंग लगाएंगे उसके लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें इन्हीं के पत्ते काट के, इन्हीं के जो नीचे के जो मतलब स्टेम होती है थोड़ी सी इन पत्तों में, उसी को काट के बारीक बारीक कर दिया है बिल्कुल। इन्हीं के हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे, अंदर स्टफिंग नहीं करेंगे पत्तों पे। और ये बेसन डाल रहे हैं इसके बीच में, आप आटा भी डाल सकते हो, आटा और बेसन दोनों चीज़ें भी साथ में डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नमक डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और बाकी के मसाले डालेंगे लाइक ज़ीरा, और अजवाइन भी डाल सकते हो आप इसमें, और ये धनिया जो है वो क्रश करके डालें, और मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, हरी मिर्च भी डाल सकते हो, मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। ये देखिए, इसमें ग्रीन चिली भी काट के डाल रहे हैं। आपके पास जो मर्जी मसाला हो आप डाल दो बस इसमें। ये डाल रहे हैं आमचूर पाउडर, ट्रस्ट मी इतना यम्मी बनता है ना ये। और ये डाल रहे जी देगी मिर्च, ये इसको मिक्स करेंगे अब हम अच्छे से। फिर पानी से जो है वो इसका थोड़ा सा बैटर बना देंगे हम, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है और ज़्यादा जो है वो थिक भी नहीं रखना है हमने। इस तरह का रखना है कि जो हमारे पत्ते हैं उनके ऊपर इजीली अप्लाई हो जाए। अभी इसमें और पानी डालेंगे, जो ये रेसिपी है ये अपर हिमाचल में तो बहुत बनती है, आई डोंट नो कि लोअर हिमाचल में बनती है कि नहीं बनती है। लेट मी नो अगर आपके यहाँ पे ये रेसिपी बनती है और इस रेसिपी को किस नाम से जाना जाता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ ये रेसिपी बनती है, अगर बनती है तो इस रेसिपी को क्या कहते हैं। अब सबसे पहले इन पत्तों में थोड़े हल्के हल्के से रह गए हैं स्टेम, इनको रिमूव करेंगे। फिर इस तरीके से ये जो बैटर हमने बनाया है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। सबसे बड़ा वाला पत्ता हम नीचे रखेंगे, इसके ऊपर और पत्ते लगेंगे, तो सबसे नीचे वाला पत्ता है उसको हमने अच्छी तरह से जो है वो कवर कर दिया सारे बैटर के साथ में। अब इसके ऊपर और एक पत्ता रखेंगे, अब इसके ऊपर भी हम ये मिक्सचर लगाएंगे। अब ये जो पत्ते कितने रखने हैं ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा बनाना है जो हम बनाने जा रहे हैं, यानी कि पत्रोला जो हम बनाने जा रहे हैं उसको साइज़ आपने कितना बड़ा रखना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और पत्तों का साइज़ क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पत्ते बड़े बड़े होंगे तो दो पत्ते भी इनफ है, अगर पत्ते छोटे होंगे तो आप तीन चार पत्ते ले सकते हैं। ये देखिए, दो ही पत्ते में जो है वो इनफ साइज़ आ गया है इसका। अब इनको जो है वो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, अब इसके ऊपर थोड़ा सा और लगाएंगे ये मिक्सचर हम। अब इनको जो है वो फिर से फोल्ड कर देंगे, अब फिर से हल्का हल्का इसके ऊपर ये मिक्सचर लगाएंगे। मैं ये वीडियो फास्ट नहीं कर रही हूँ सो दैट कि इजीली देख के जो है वो समझ सके चीज़ को कि हो क्या रहा है। अगर मैं इसको फास्ट कर दूँगी तो मे बी इतना इजी ना हो इसको समझ पाना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से रोल कर देंगे, ये देखिए रोल कर दिया है। अब हमने जितने भी पत्ते लिए हैं उनका सेम यही करना है, हमने सारे पत्तों के ऊपर मिक्सचर लगा के इस तरीके से रोल कर देना है हमने। ये देखिए, अब नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं। अब देखिए कितने सारे उन्होंने फिल करके रख दिए हैं, रेडी हो गया है। अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं,
ये हमारा ध्रुवी भी बीच में शामिल हो रहा है बनाने के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ये। अब इसको पकाने के लिए हम लेंगे प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में तेल डालेंगे हम, और ये तेल जो है वो पूरे कुकर में हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है, कोने में ऊपर ऊपर तक हमने पूरा एक बार स्प्रेड कर देना है, ठीक है। स्पैचुला की हेल्प से आप कर सकते हो। उसके बाद हम ये प्लेस कर देंगे जो भी हमने बना के रखे हैं ये पत्रोले, ठीक है, ऊपर तक फिल कर दिया हमने पूरे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद में इसमें ढक्कन लगा के हम विसल आने देंगे तीन। ये देखिए तीन विसल आने के बाद में निकाल दी है हमने कुकर से और बिल्कुल रेडी है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। आप इनको चाय के साथ में ले सकते हो, चटनी के साथ में ले सकते हो, और आप चाहो तो इनको ऐसे भी खा सकते हो। यदि आपको ऐसे नहीं खाने हैं तो हम इनको जो है वो कट करके फ्राई करने वाले हैं, वो रेसिपी भी आपको दिखा देते हैं। ये भी बहुत मज़े से खा रहा है, चटकारे लेके खा रहा था, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। नमस्ते, बाय बाय। और जो ये वाले हैं जो लास्ट में हमने, मतलब जो सबसे पहले हमने कुकर में प्लेस किए थे, ये सीरियसली बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा यमी ये वाले पोर्शन होता है। सीरियसली जितना ये ब्लैक दिख रहा है ना, उतना ज़्यादा ये यमी होगा, ठीक है। तो अब हम इसको कट कर रहे हैं, छोटे बड़े जैसे मर्जी आपने पीसेस रखने हैं वैसे रख सकते हो। तो हमने कुछ कुछ पत्रोले को कट करके फ्राई किया, कुछ को नहीं किया, कुछ को वैसे ही रहने दिया, बिकॉज़ जो लास्ट वाले पत्ते हैं उनको तो, जो हमने सबसे पहले रखे थे जो ब्लैक दिख रहे थे, उनको तो बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इनको जो है वो इस तरीके से कट कर देंगे। और जो ये मैंने प्याज रखा है साइड में कट करके, वो भी ऑप्शनल है जी, आप डालो चाहे नहीं डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको वैसे भी तेल में सिंपली बाहर फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये तेल डाला, तेल में हमने जो है वो प्याज डाल दी, नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक इसमें ऑलरेडी इनफ है। अब हम इसके बाद जितने भी हमने पत्रोले कट करके रखे हैं वो सारे बारी बारी से डाल देंगे कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा ही क्रंची क्रंची चाहिए तो आप जो है वो थोड़ा तेल भी ज़्यादा रख सकते हो, इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो, या फिर अगर शैलो फ्राई करना है तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है वो कढ़ाई में डाल के जो है वो उनको दोनों साइड से पलट के जो है वो फ्राई कीजिए, तो भी ज़्यादा क्रंची बन जाएंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से उतने ज़्यादा क्रंचीज नहीं आएगी। और ये देखिए रेडी हो गए हैं, हमने चटनी भी प्रिपेयर कर दी है बना के, बहुत ही यमी यमी बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। ये देखिए देखने में ये इतने ही टेस्टी लग रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया अभी फिर से, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, मेरा मन कर रहा है अब फिर से खाने का इनको। तो ये देखिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी हिमाचल के मेरे फॉलोअर्स हैं उनको तो बनता ही है, हिमाचल के ट्रेडिशन की जो एक रेसिपी है वो शेयर करनी तो बनती है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारा जज है, ये पास करता है रेसिपी को हमारी या फेल भी करता है, खा रहा है तो मतलब अच्छी लगी है इसको रेसिपी, क्लैपिंग भी कर दी है। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।